झारखंड के गिरिडीह जिले में दर्दनाक हादसे में एक ही परिवार के चार लोगों की मौत हो गई। मामला तीसरी थाना क्षेत्र के खिड़किया मोड़ के पास की है, जहां शनिवार की देर रात एक मकान में अचानक विस्फोट हो गया। विस्फोट इतना जोरदार था कि पूरा मकान पलभर में धराशायी हो गया। हादसे में एक ही परिवार के चार लोगों की मौत हो गई। विस्फोट की जानकारी देने के बाद पहुंचे एसपी अमित रेणु ने बताया कि जांच के बाद ही घटना के कारणों का खुलासा हो पाएगा। आपको बता दें कि जिस मकान में विस्फोट हुआ था वह बुधन राय नामक शख्स का है। बताया जा रहा है कि देर रात परिवार के लोग खाना खाकर सोने चले गए थे, इसी दौरान घर में रखे गैस सिलेंडर में विस्फोट हो गया। बिहार में इन दिनों अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। ताजा मामला मुंगेर का है, जहां अज्ञात अपराधियों ने दिन दहाड़े मुंगेर किला के दक्षिण गेट के पास एक अधिवक्ता को गोली मार दी। जानकारी के अनुसार अधिवक्ता अपनी बाइक से घर आ रहे थे और उनके साथ उनका भांजा भी था। गोली अधिवक्ता के गले में लगी है, जहां गंभीर हालत में उन्हें बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर किया गया है। इस घटना के पीछे जमीनी विवाद बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। ये हम लोग सबको ये जान रहे हैं, ये बार बार अखबार में आप लोग भी छाप रहे हैं, हर जगह का है कि लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा, इसमें कोई दो मत नहीं है। जो खौफ था नीतीश जी के पहले 5 वर्ष में, वो अब रहा नहीं अपराधियों में, और खास करके अधिवक्ताओं के साथ। सारा महकमा जो है सो अपने बचाव के लिए लगा हुआ है सारा प्रूफ, मगर अधिवक्ता बिल्कुल जिस जो कि फांसी के केस में लड़ता है, रेप के केस में जाता है, उसके जान को 24। और ज्यादा जानकारी के लिए मुंगेर से गौरव मिश्रा है हमारे संवाददाता फोनलाइन पर। गौरव, पूरे मामले पूरे घटनाक्रम की जानकारी चाहेंगे आपसे। हमने आपके कॉल को होल्ड पर रखा। नहीं हो पा रहा है, फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि मुंगेर की घटना है, जहां पर अपराधियों ने, बाइक सवार अपराधियों ने एक अधिवक्ता को गोली मार दी है, जिसे गंभीर हालत में पटना के पीएमसीएच रेफर किया गया है। हालांकि प्राथमिक उपचार मुंगेर में किया गया। आपको बता दें कि इस घटना के पीछे जमीनी विवाद बताया जा रहा है और अभी तक अपराधियों पर कार्रवाई नहीं की गई। अपराधी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर बताए जा रहे हैं। सहरसा में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां तेज रफ्तार से आ रही स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई। हादसे में एक ही परिवार के 5 व्यक्ति जख्मी हो गए, जबकि एक बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। आनन फानन में सभी घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामला बनगांव थाना क्षेत्र का है। बताया जा रहा है कि सभी लोग होली मनाने सहरसा से जिलई ओपी क्षेत्र स्थित शंकर थुआ अपने गांव जा रहे थे, इसी दौरान यह हादसा हुआ। इस घटना से परिवार वालों में होली खुशी की जगह मातम में बदल गई। आपको बता दें कि सहरसा की खबर है, जहां एक ही परिवार के 5 लोग जख्मी हो गए, जबकि एक मासूम की मौके पर ही मौत हो गई। और सहरसा से सरफराज हैं फोन लाइन पर। सरफराज, अभी घायलों की क्या स्थिति बताई जा रही है? मैम, देखिए, जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच जो है वो मारपीट हुई थी। सिमरी बख्तियारपुर क्षेत्र की एक घटना है, जहां दो पक्षों के बीच जमीनी विवाद को लेकर मारपीट हुई थी, जिसमें एक पक्ष के जो है 8 लोग जख्मी हो गए थे। फिलहाल उन लोगों का इलाज जो है सदर अस्पताल में जारी है। फिलहाल पुलिस सभी मामलों की तफ्तीश में जुट गई है और अपराधी की गिरफ्तारी जो है वो लगातार छापेमारी कर रही है। क्या किसी की हालत नाजुक भी बताई जा रही है? ये देखिए, 3 लोगों की हालत जो है वो अभी तक नाजुक बताई जा रही है, बल्कि 2 लोगों को जो है सदर अस्पताल से डीएमसीएच दरभंगा रेफर किया गया है, और जितने भी कुल बचे हुए हैं जख्मी है उनकी हालत जो है अभी कुल सुधार आई है। जी, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका सरफराज। तो आपको बता दें कि सहरसा की खबर है, जहाँ तेज रफ्तार स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर जा टकराई पेड़ से, जिसकी वजह से 5 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिनमें 3 की हालत
नाजुक बताई जा रही है, वहीं एक मासूम की मौके पर ही मौत हो गई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। जहानाबाद जिले के अरवल एनएच 110 के बभना गांव के नजदीक स्कॉर्पियो और बाइक की टक्कर में एक ही परिवार के दो लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि एक परिवार के तीन लोग बाइक पर सवार होकर जहानाबाद से अपने गांव सलेमपुर जा रहे थे, इसी दौरान तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने बाइक सवार को रौंद दिया। इस मामले में SDPO राकेश कुमार पांडे ने दो लोगों की मौत की पुष्टि करते हुए कहा कि पुलिस मामले की जाँच पड़ताल कर रही है। स्कॉर्पियो और एक मोटरसाइकिल की आमने सामने से टक्कर हुई है। इसमें मोटरसाइकिल पर जो सवार थे, ऐसा लग रहा है किस पर कौन सवार थे अभी पता नहीं चल रहा, लेकिन एक ही परिवार के ये अजय शर्मा और उनके भाई दीपक शर्मा और उनका पुत्र हरिओम अजय शर्मा इंजर्ड हो गए थे, जिसमें दो की मृत्यु यहाँ सदर अस्पताल में हुई है। एक जो है अजय शर्मा, उनको PMC से। आपको बता दें कि जहानाबाद की खबर है, जहां दर्दनाक सड़क हादसा हो गया जिसमें एक ही परिवार के दो लोगों की मौत हो गई है, जबकि बाइक पर तीन लोग सवार होकर जहानाबाद से घर की ओर जा रहे थे और होली के मौके पर जो खुशी है वह मातम में तब्दील हो गई, परिवार में कोहराम मच गया है। और जहानाबाद से संवाददाता पंकज कुमार है फोनलाइन पर। पंकज, कैसे हुआ ये हादसा? जहानाबाद से वो अपने गांव होली के लिए जा रहा था सलेमपुर चकुराबाद थाना क्षेत्र में, ये गांव है सलेमपुर। जैसे ही बभना गांव के समीप पहुंचा, एक स्कॉर्पियो द्वारा उसे टक्कर मार दिया गया जी। जो जाके एक गड्ढे में गिर गया और दो व्यक्ति को घटनास्थल पर ही मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे PMCH भेजा गया है। क्या जो लोग हैं जो जिनकी मृत्यु हुई है, क्या एक ही परिवार के लोग थे सभी? एक ही परिवार के चचा भतीजा हैं दोनों जी। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। तो आपको बता दें कि जहानाबाद की खबर है, जहां तेज रफ्तार ने दो जिंदगियों को ले लिया जबकि एक व्यक्ति अभी भी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। बेगूसराय के हर हर महादेव चौक के पास पिकअप पर सवार दो दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि बढ़िया से गेहूं की कटनी कर सभी लोग पिकअप पर सवार होकर अपने घर नवगछिया जा रहे थे, तभी हर हर महादेव चौक पर अचानक पिकअप वैन का टायर फटने से सभी लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं घटना के बाद से इलाके में अफरा तफरी का माहौल बना रहा। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस घायलों का इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां फिलहाल उनका इलाज चल रहा है।